जी कैसे हो आप सब। एक्चुअली क्या है ना, अंदर कमरे में फिर से लाइट चली गई और ये मिलेट्स मम्मी ने बनाए हैं चूल्हे पर, और इसमें मैंने ना ये थोड़ा सा घी डाला आधा चम्मच और हल्का नमक है, और ये विहान के लिए बस मैं ठंडा कर रही हूँ। जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर हम बाबू को खिला देंगे। शे तू बाहर कैसे आ गया? ये ना अपने आप दरवाजा खोलने लग गया, अपने आप आ जाता है बाहर। थोड़ी सी ना ही जल्दी जल्दी करूँ यार, सारा देखना जूते चप्पल कैसे फेर दिए, ये ध्यान रखा यहाँ पर और बाबू ने, और ये देखो ये यहाँ ही अंदर अंदर रखी जाएगी। थोड़ा सा समेटू मैं, नीचे आपको दिख ही रहा होगा कितना मैसी हो रखा है। ये किधर रे आया चल के, ये सारे मम्मी जूते ना सारे नीचे गिर के आ गए। चा दू दोबारा से? हाँ कुछ पहन के रखो मम्मी, ठंड लग जाएगी। ये देखना सारे मेरे जूते ना, ये बाबू के भी मिल गई जोड़ी मम्मी, ये जोड़ी तो पहना ही नहीं, बिना पहना ही छोटी हो गई, इस पर ही रख देती हूँ ये वाली। तो मैं चप्पल भी चा दू, फटाफट काम निपटा देते हैं मम्मा, फिर आराम से बैठेंगे। ये रही एक और जोड़ी, आज भी धूप नहीं निकली मम्मी, आप कह रहे थे निकलेगी, अब तो क्या धूप निकलेगी, 3 बजने को आ गए, कुछ ना निकलनी धूप आज भी, आज भी बिना धूप के रहना पड़ेगा। ये देखो नैपकिन फेंक दूं यहाँ से मैं, हाँ ना मम्मी पानी हो जाएगा पीछे, फ्रिज बंद कर दूंगी। कोई ना आने दो बिल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने स्टोर की पूरी सफाई कर दी थी, बस झाड़ू लगा दिया था और सामान थोड़ा सा सेट कर दिया था। यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रंक के ऊपर मैंने सामान रखा हुआ है, इसमें से जो जो डेली यूज़ का सामान होता है मैं यहीं पीछे आती हूँ, सुबह सुबह सो के उठती हूँ, अपने नहाने के कपड़े भी जो भी मतलब नहाने के बाद मुझे पहनने होते हैं मैं इन्हीं अलमारी में से निकाल लेती हूँ, तो सामान मेरा पीछे सही अच्छे से सेट हो जाता है, तो अंदर कमरों में फिर ना भीड़ नहीं होती, सही रहता है। यहाँ पे देख लीजिए किचन में ये हमारा दूध रखा हुआ है, शाम को नया आएगा, तो मतलब ज्यादा नहीं बचा हुआ, बस शाम तक मतलब अगले 4 घंटे हमें इतने दूध में निकालने हैं, काफी है, इनफ है, खत्म नहीं होने वाला क्योंकि सुबह का दूध हम पी चुके हैं। ये हमारा देखिए मिलेट्स है, ये देख लीजिए क्लोजअप से। इसके अलावा ये हमारे हैं काले चने, जिनमें मैं अभी फटाफट घी का छोंक लगाऊंगी, टमाटर खत्म हो रखे हैं क्योंकि मम्मा बोलते हैं छोंक लगाएगी किस चीज में, टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है, सब कुछ खत्म हो रखा है, प्याज का तो पता नहीं मुझे लेकिन टमाटर ही नहीं है, बिना टमाटर के कोई छोंक थोड़ी लगता है। तो हम एक काम करेंगे, इन काले चनों में हम थोड़ा सा घी डाल के वैसे ही उबले हुए खा लेंगे, क्योंकि इनमें ना अच्छी ताकत होती है, उबले हुए चने अच्छे रहते हैं घी डाल के। और ये देखो आज मम्मी ने बनाया था विहान के, वो भी इतना भर के बना दिया, ये तो दो कम से कम 1 हफ्ता रहेगा, जल्दी से खत्म नहीं होने वाला, और विहान ने खाया भी नहीं है। ये ना आटे का हलवा नहीं है, देखिए आप, ये हमारा बेसन का हलवा है, बेसन का है, देखिए आप, बेसन का हलवा कुछ इस तरीके का होता है, तो दिख तो ये थोड़ा कलर इसका आटे जैसा ही है, बेसन का है। मेरे को ना मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मतलब बहुत याद आती है यार मूंग दाल का हलवा, कितना यम्मी होता है ना खाने में, बहुत बहुत टेस्टी लगता है मेरे को। इसकी रेसिपी आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगी आने वाले टाइम में। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बर्तन जूठे रखे हैं और विम बार हमारा खत्म हो गया है, तो बर्तन अभी धुल नहीं सकते, हमारा बेलन अभी जूठा है, तो अभी हम यही खाना खाएंगे क्योंकि ना ये विम बार शाम तक आएगा हमारा, उसके बाद ही काम होगा आप जानते ही हो। और इसके अलावा मैं क्या बता रही थी आपको, मेरी गोल रोटी चैलेंज अभी पेंडिंग है जिसको मुझे पूरा करना है, आई होप सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी, उसे भी पूरा करूँगी। सुबह से मैंने आज क्या खाया है मैं आपको बताऊँ तो, मैंने सुबह 1 गिलास तो मैंने दूध पिया था, और मम्मा मैंने फिर और क्या खाया है सुबह से, दूध पिया था और क्या खाया आज मैंने सुबह, हाँ मैंने 1 गिलास तो दूध पिया था सुबह, उसके बाद ये मेरा मतलब फर्स्ट मील है,
देख लो मेरे को ना सच में याद, मैं काम में ऐसी डूबी रहती हूँ, मैं जब मैं सो के उठी थी तब से लेके अब तक नॉन स्टॉप तो मेरा काम चल रहा है, कभी वीडियो की एडिटिंग, कभी कुछ कभी कुछ, कभी फोन पे बात। तो इस चक्कर में देखो मेरे को अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि मैंने ब्रेकफास्ट किया था नहीं किया, मुझे लगा ही मैंने सुबह खाना खाया था, और मम्मी कह रहे हैं आज तो सुबह खाना बना ही नहीं था, अभी खाना बना है। तो ऐसे ही माइंड रहता है मेरा, मेरे को खाने का होश ही नहीं रहता बिल्कुल ही, बस सुबह गिलास दूध पी लिया बस, उसके बाद कुछ खाया तो खाया, हाँ 3-4 बादाम तो खाए थे मैंने। तो ऐसी मेरी फूड हैबिट्स हो जाती है, मतलब मैं जानबूझ के खाना मिस नहीं करती हूँ, बट कई बार याद नहीं रहता, इसीलिए मैं सुबह सुबह सो के उठ के अपना नहा के पहले कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन का मेरा भरोसा नहीं होता कि मैं बाद में क्या पता मैं 5 बजे खाऊं खाना, 6 बजे खाऊं, इसीलिए सुबह एक बार मैं अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे कर लेती हूँ। आज नहीं किया तो देख लो सीधा मेरा 4 बजे, शाम को 4 बजे मेरा पहला मील है, मेरे को याद भी नहीं था कि मैंने दूध के बाद मैंने कुछ नहीं खा रखा, ऐसा हो जाता है देख लो आप। तो मैं लाइव आई थी अभी, थोड़ा सा अपना मन मैंने अपना हल्का कर लिया, मतलब अपनी बातचीत करी, मेरी मम्मा गए हुए थे, और इसके बाद अभी देख लो विहान बाबू आपको पता ही है जाग गए, और ये मेरा दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहा है बड़े, इसको मैं बंद कर देती हूँ, अभी मेरे को दे देगा, दे दिया ना। और इसने मेरे को फ़ोन इसलिए नहीं दिया है, कहीं आप सोचो आपकी गलतफहमी होगी अगर आप सोचोगे कि इसने दिया है कि तू रख ले, नहीं ये कह रहा है चला के दे, दिखाऊं मैं आपको, यकीन ना हो तो रुकिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं अभी इस फ़ोन का लॉक खोला मैंने, अब ले लेगा, देखो देखो कितना खुश है, खुश है ना। अब लूँ मैं इससे, आप अब मान जाओगे मेरी बात एकदम, मैं सच बोल रही हूँ, ये देखो चला रहा है, चला ले बेटा चला ले, कितना मर्जी चला ले, फोन तेरा ही है ना, लाओ अब मैं इसको बंद कर दूंगी, देखो दे नहीं रहा, दे नहीं रहा इसको, दे दिया दे दिया ना फोन, इसको पता है कि मम्मा ही चला के देती है फोन, तो फोन मम्मा चला के देगी, ले ले ले। और देखो मेरी मम्मा भी आज ठंड इतनी ज्यादा है ना, प्लीज अब मुझसे आप थोड़ी अब उम्मीद मत रखना कि मैं कुछ भी झाड़ू करके पोछा करके दिखाऊंगी, काम सारा हो गया, और ठंड इतनी कड़ाके की ठंड हो रखी है ना मम्मा, इतनी सर्दी हो रखी है ना आज का, तो बस ऐसे हो रखा है कि बस अब लेट जाओ रजाई में, लेट के आराम से पूरा आगे 2-3 घंटे हैं, क्योंकि शाम का टाइम शाम के 6 बजने वाले हैं, अभी दूध वाला भी नहीं आया है। तो अब हम पता है क्या करने वाले हैं, मैं बनाऊंगी मम्मा के लिए चाय, खुद के लिए हॉर्लिक्स वाला दूध, और विहान क्या खाएगा, खिचड़ी, विहान खिचड़ी खाएगा, मम्मा खिचड़ी है ना, खिचड़ी है, या फिर वो खिला देंगे इसको मिलेट्स, अच्छा पुरानी वाली है, मुझे लगा ताजी बनाई है आपने, तो खिचड़ी तो हम नहीं खिलाएंगे, मम्मी कह रहे हैं कि पापा जी खाते कहाँ हैं, फोन कर देंगे कि ये खाना है, भूखा बैठा हूँ, और वहाँ पे बाहर के भटूरे छोले भटूरे बाहर का सामान खाते रहते हैं, बताओ सारा भटूरे ला के रख रखे और खाए भी नहीं है। हाँ बेटा मेरा बाबू खाता भटूरे, व्यान खाएगा, दांत साफ करवा के दांत लगवा लिया बेटी, ठीक है ना, ये देखो जी मम्मा कह रहे, मम्मा कह रहे दांत लगवा लो भाई, नहीं खाया जाता तो खाना नहीं खाया जाता तो, जिस दिन मेरी सारी जड़ें निकल गई टूट गई, मैं तो नहीं लगवा। मम्मी वैसे लॉजिक क्या हुआ, देखो आपके सारे दांत वैसे के वैसे, और पापा जी के तेरे सारे दांत निकल गए, जड़ें निकल गई, एक दो तो निकल रही है, एक दो निकले हैं, मम्मी कह रहे मैं ब्रश करती थी। हाँ अच्छा चलिए आप सब विहान से मिल लीजिए, विहान से मिल लीजिए, विहान से मिलिए, आप सबको मैं विहान से मिलवा देती हूँ। हाँ हाँ तो फिर तो मम्मी कह रही है ना कि हम दूध पीते थे, तो फिर तो अब मैं भी अपना दूध वूध पीना शुरू करती हूँ, मेरे भी दांतों के दांत मजबूत हो जाएंगे। मम्मा चाय पियोगे, पीऊंगी ठंड में तो आई, तो चलो ओए मम्मी ये छींक रहा है, उस घर में दूध नहीं, क्यों छींक रहा है, ये तो आया था अभी पैकेट, हाँ बच्चे
दुकान से। मेरा राजा बेटा है। फिर मैं नहीं रुकी, मैंने कहा दूध वाला भी जाने। ठंड इतनी ज्यादा है वैसे भी घर से बाहर। मैं सोच रही हूँ बस ये जनवरी का महीना और फरवरी का किसी तरीके से, फरवरी तो फिर भी निकल जाएगा मम्मी, 15 फरवरी के बाद तो थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। मेन सर्दी है अभी की, ये जनवरी की, ये 15 दिन की ठंड है बस, इसीलिए 15 दिन अभी थोड़ा घर में रहेंगे, उसके बाद अपना फिर अपना नॉर्मल थोड़ा सा ठंड से बाहर निकलना शुरू कर देंगे थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा सा अभी तो। तो जी इस वीडियो का तो मैं यही एंड करूंगी क्योंकि मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा अभी, मेरा बस ठंड इतनी तेज है ना विहान को लेके, बस यही मोबाइल में कुछ ना वीडियो चलाऊंगी अभी मैं, कोई बढ़िया से यूट्यूब वगैरह पे कुछ बढ़िया वीडियो फिल्म देख लेंगे विहान और मैं बैठ के अपना फिल्म देखेंगे और फिर आराम से नॉर्मल जो भी चलता है चल देगा। तो हाँ हाँ अरे यार एक मिनट तो रुक जाया कर, ये देख फोन के लिए रो रहा है तो इसको मैं मोबाइल फ़ोन पकड़ा रही हूँ। और इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी के साथ काम करूँगी, अभी तो बहुत ठंड है भाई, नहीं हो रही अभी हिम्मत। तो चलिए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, विहान बबुए, ए बाबू, क्या करूं क्या करूं क्या क्या हूं का कोई मतलब भी होता होगा, तेरी भाषा बता तो दे, सिखा तो दे, सिखा दे, सिखा दे। बाय बाय, टेक केयर।